नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आपको और हमें क्या करना है? तो कि आज हमें हिंदी लेना है और हिंदी में हमारा गद्य तीसरा है, क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, क्या निराश हुआ जाए उसका अगला भाग है। मैंने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था कि द्विवेदी जी है, वह निबंध प्रकार का यह हमारा गद्य है। इसलिए इसमें द्विवेदी जी ने क्या किया है, तो कि भारतवर्ष की कुछ समस्याएं हैं उसे लेने का प्रयास किया है कि भाई भारत में से मानवीय मूल्य है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, तो कि लुप्त अदृश्य हो रहे हैं। तो क्या ऐसे ही धीरे धीरे सारे मूल्य है वो लुप्त हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, तो फिर भारत कैसा होगा? तो हमारा भारतवर्ष तो महान समुद्र है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जाति पाति है, धर्म है, सारे लोग हैं वह भारत में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो कि हम एक दूसरे पर से भरोसा, हम जो विश्वास करते हैं उसे छोड़ रहे हैं। तो ऐसे हम किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो भारतवर्ष है वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो द्विवेदी जी कहते हैं कि भाई यह एक तरह से गलत बात है, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। पर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, धीरे धीरे मानवता है वह लुप्त हो रही है, तो ये सब ऊपर ऊपर की बात है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानवता अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। हमने अभी कोरोना में भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, तो भी कोरोनाग्रस्त लोग हैं उसे खाना पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल्स है वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं वो काम करने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें अपनी मौत का डर नहीं है, अपनी वरना सबको पता है कि यदि कोरोना मुझे हुआ तो मैं मर जाऊँगा, फिर भी मानवता है वो पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है। लोग आज भी क्या कर रहे हैं, तो लोग आज भी मानवता को जीवित रखे हुए हैं। लोग घर से ऐसे हालात में भी बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो द्विवेदी जी का कहना है कि जो हम देख रहे हैं, जो लोग हम देख रहे हैं कि जिसमें मानवता नहीं है, लुप्त हो रही, वो सिर्फ ऊपरी सतह है। अंदर अंदर आज भी हमारे यहाँ मानवता जीवित है, हम एक दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हैं। और दूसरी बात द्विवेदी जी ने बताया था कि भी भारतवर्ष है उसने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी कि हम जो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल हो, हमारे यहाँ सोफा हो, बेड हो, पंखे हो, एसी हो, ऐसी सुख सुविधाओं को भारतवर्ष ने महत्व नहीं दिया। भारत में क्या है, खाना पीना मौज से रहना, इन सारी चीज़ों को, बाकी भौतिक जो सुख सुविधाएं देती है ऐसी चीज़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो द्विवेदी जी की दृष्टि में वह कहना चाहता है कि भारत के लोगों के अंदर आंतरिक यानी कि उसके मन के अंदर आज भी कुछ ऐसा तत्व जीवित है जो भारत को जीवित रख सकता है। तो हमने देखा था कि हमने पेज नंबर 8 पर हमने देखा था कि व्यक्ति जब चित्त यानी कि मन से आदर्शों से चलित नहीं होता, जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी प्रस्तुत होते हैं। देखिए, जितना बड़ा मनुष्य है ऊँचे चढ़ता है या फिर ऊँची पदवी पर बैठता है, तब उसके अंदर लोभ और विकार जैसे भी अच्छी बात होती है तो बुरी बात भी होती है। सभी लोग है उसके अंदर लोभ मोह काम क्रोध ये सारी चीज़ें भी होती है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि हम उसके अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं तो हमें उसके जो उसके नेगेटिव बात है उसे भी अपनाना चाहिए। तो यहाँ से हमें लेना है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। देखिए, भारतवर्ष है वह हमेशा क्या करता रहा है, तो कि भी कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे नीति नियम बनाए गए हैं पर हम उसे इसलिए नहीं मानते कि हम कानून से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, पर हम धर्म से डरते हैं इसलिए सारे नियमों को मानते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि हम रास्ते पर चले जाते हैं, यदि हमें कोई आदमी है वह हमारा दुश्मन हो तो हम उसे मारने या पीटने नहीं लगेंगे। क्यों? तो क्योंकि हम ईश्वर से डरते हैं, हमें डर है कि यदि मैं इसे मारूंगा या फिर मैं इसका बुरा करूंगा तो ईश्वर मेरा बुरा करेगा। देखिए, हम बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कायदे हैं, उसे धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, कानून के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम ईश्वर से डरते हैं इसलिए उसका स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि भारत में सदा कानून को धर्म के रूप में, जो नियम है उसे धर्म के रूप में ही हमने स्वीकार किया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। देखिए, आज
अचानक एकाएक यानी कि अचानक कानून और धर्म में क्या हुआ है, तो कि अंतर रख दिया गया है, कानून को अलग कर दिया गया है और धर्म को अलग। हम ज़्यादातर कानून से ज़्यादा किसे मानते हैं, धर्म से धर्म को मानते हैं, ठीक है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए, हम पुलिस वाले हैं या फिर कानून वाले हैं, उससे हम धोखाधड़ी कर सकते हैं, उसे हम धोखाधड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमें डर है कि हम ईश्वर से, हम धर्म से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें डर है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नर्क में जाएंगे या फिर ईश्वर के पास जाएंगे, उसे जवाब देना होगा हमें। तो हम धर्म कानून के साथ धोखाधड़ी करेंगे, हम रिश्वत लेंगे, हम झूठ बोलेंगे, कोई ऐसा काम होगा तो हम निकल जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आप स्कूल में बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे के बैग में से 20 या 50 का नोट है वो निकाल लेगा। देखिए, यहाँ वो धोखाधड़ी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास वाले को पता चलेगा नहीं, वो चोरी करेगा। लेकिन यदि आप मंदिर में जाए, मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में की दान पेटी है, वहाँ से आप 50 रुपये नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, ऊपर जाएंगे तो वह दंड देगा हमें। तो हम कानून के साथ, हम सब लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, पर हम धर्म के साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डर है किसका, तो कि ईश्वर का हमें डर है, इसलिए हम ईश्वर के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। कानून को दिया जा सकता है, यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। देखिए, इसीलिए लोग धर्म से डरते हैं। मैंने अभी कहा ना कि दान पेटी में से 50 रुपये नहीं निकालेंगे, यदि हमें रास्ते में से भी पैसे मिल जाएंगे तो हम जेब में डाल देंगे। लेकिन हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में से हमें 10 का नोट या 20 का नोट मिलेगा तो भी हम क्या करेंगे, उस दान पेटी में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ ईश्वर देख रहा है। हम धर्म से, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं, इसीलिए भारत के लोगों को क्या कहा है, धर्म भीरु। हम धर्म से, भीरु यानी कि डरपोक, हम धर्म से डरने वाले लोग हैं। कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखिए, हम कानून की कमियाँ हैं, वहाँ पर हम लाभ उठा लेते हैं। हम मान लीजिए कि भाई कुछ नियम कानून वालों, अभी आपने देखा कोरोना में ऐसा नियम था ना कि भाई 8 बजे के बाद लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं निकलेगा, यदि आप बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, पुलिस को धोखा देते हैं, जैसे ही पुलिस की गाड़ी है हमारी गली से आगे निकलती, हमारे चौराहे से आगे निकल जाती है, पुलिस की वैन इस तरफ जाती है और हम यहाँ से निकल जाते हैं, पुलिस कहाँ देखने वाली है। देखिए, हम पुलिस के साथ धोखाधड़ी करते हैं, पुलिस से छुप कर भी हम घूमते हैं, फिरते हैं, और पकड़े जाते हैं तो झूठ बोलते हैं, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, मेरे पास वाले या कोई ऐसा कारण देते हैं पुलिस वाले को, भी हमारे काम था इसलिए हम निकले थे, ऐसे ही थोड़े घूमने निकले, निकले तो हम घूम नहीं थे, पर हम पुलिस वाले से क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, पर हम धर्म से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ हमें डर है, हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, वहीं पर जाना है, हमें ईश्वर से हमें डर लगता है, इसलिए द्विवेदी जी भारत के लोगों को धर्म भीरु के रूप में बताते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। देखिए, इस बात के पर्याप्त बहुत सारे सबूत हमें मिल जा सकते हैं कि ऊपर ऊपर चाहे जो हो रहा हो, पर अंदर से हम यही मानते हैं कि कानून से बड़ा कौन है, धर्म है। कानून से तो हम निकल सकते हैं, आँख मिचोली खेल सकते हैं, उससे हम झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन धर्म से हम झूठ बोल सकते नहीं हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, इसीलिए हम ईश्वर से कभी झूठ नहीं बोलते। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। देखिए, सारे लोग हैं वो एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता आज भी ऐसी कैसी बनी हुई है, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से कई लोग ऐसे हैं जो बेईमान हैं, रिश्वत लेते हैं, गलत करते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं, पर यह सब ऊपर ऊपर दिखाई देने वाले लोग हैं, सारे लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। देखिए, हमारे अंदर भी ये सारे मूल्य हैं, सेवा, ईमानदारी, प्रामाणिकता, आध्यात्मिकता, ये सारे मूल्य हमारे अंदर भी छिपे हुए हैं, पर क्या है, तो कि दब गए हैं, मिट नहीं गए हैं। हम भी उसी भारतवर्ष के बेटे हैं या बेटियां हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये ऊपर से दब गई है पर नष्ट हुई नहीं है।
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। देखिए आज भी हम मनुष्य से प्रेम करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी मैं किसी भी मनुष्य से प्रेम नहीं करता, मुझे घर में कोई भी अच्छा नहीं लगता। या फिर आपने देखा है, आप देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए एक सोसाइटी हो, वहाँ पर एक कुत्ता है बाहर से आता है, तो दूसरे सारे कुत्ते क्या करेंगे, उसे भूखेंगे भूखेंगे ना। जब तक वो दूसरा कुत्ता है बाहर ना निकल जाए तब तक उसे भूखते रहेंगे, क्योंकि ये कुत्ते हैं उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो बाहर से आया है इसलिए। पर तो आपने कभी देखा है कि हम किसी अजनबी सोसाइटी में या फिर अजनबी जगह पर गए और लोग हमें भूखने लगे या फिर मारने लगे या काटने को दौड़े, हमने देखा है? नहीं, क्योंकि हम मानव से प्रेम करते हैं। हम जो लोग आते हैं उस वो लोग हमें अच्छे लगते हैं, हम उससे लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाते हैं। चाहे हम उससे बातचीत ना करें, हम उसे पहचानते नहीं तो हम उससे बातचीत नहीं करते हैं, पर हम उससे लड़ाई करने भी नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि हमारे अंदर जानवरों जैसी वृत्ति नहीं है। एक बैल है दूसरे बैल को सींग मारता है, एक गाय है दूसरे बैल को मारती है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को भौंकता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने कभी देखा कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को काट लिया, एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया? देखा, एक गली में से दूसरी गली में एक इंसान आया तो उसने तो जोर से एक ढीक मारी या कहीं लात मारी, देखा आपने? नहीं मारेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता। हमें हमारे आसपास के सारे लोगों से प्रेम है और हमें इसी लोगों के बीच में रहना है। हम देखिए हम रिश्ते बना कर रहते हैं। तो हम यह आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। देखिए आज भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आप बस में जाइए तो वहाँ पर लिखा होगा महिलाओं के लिए सीट, तो मान लीजिए वो सारी सीटें महिलाओं के लिए भर चुकी है, तो इस तरफ से कोई भी महिला है उसके पास छोटा सा बच्चा है या फिर वह महिला अशक्त है बीमार है, तो तुरंत ही इस तरफ से कोई आदमी है वो बैठा होगा तो वो तुरंत कहेंगे बहन जी आप बैठिए मैं खड़ा रहूँगा। तो आज भी हमारे अंदर जो महिलाओं के लिए प्रेम है वह नष्ट नहीं हुआ है, आज भी हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलना भी पाप समझते हैं, चोरी करना भी पाप समझते हैं, झूठ और बेईमानी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। देखिए दूसरे लोगों को पीड़ा देने को भी वह पाप समझता है और समझना भी चाहिए। हम मान लीजिए कि हम आप यहीं स्कूल पर बैठे हुए हैं, दो बच्चे एक बेंच में बैठे हुए हैं, तो एक है वह बेचारा बहुत ही कैसे कहे कि हट्टा कट्टा नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, तो उसके पास में जो बैठा है वो धीरे से उसे मारेगा या फिर ऐसा करेगा, तो हम ऐसा नहीं करते। हम समझते हैं कि भी वह मेरे जैसा नहीं है, वह मुझे पहुंच नहीं पाएगा, तो हम उसकी मदद करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, न कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है। देखिए हम इस बात का अनुभव भी करते हैं कि दूसरों को पीड़ा पहुँचाना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी बातें पाप है। और हमारे यहाँ एक बात और भी मानी जाती है कि हम जैसा करेंगे ना वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे। मान लीजिए कि आप अभी सारे विद्यार्थी यह देख रहे होंगे, तो आप सारे विद्यार्थी यही सोचेंगे कि यदि मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे छोटे भाई बहन भी झूठ बोलेंगे, वह मुझसे सीखेंगे, या मैं चोरी करूँगा तो मेरे भाई बहन भी चोरी करेंगे। आपके माता पिता है वह भी यही करेंगे कि भाई मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा बच्चा भी झूठ बोलेगा। तो हमारे यहाँ यह मान्यता भी है कि यदि हम जैसे हैं वैसे ही हमारे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए भी हम झूठ का या फिर झूठ का पाप का ऐसा सहारा नहीं लेते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। देखिए समाचार पत्र में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ भर भर के समाचार दिए जाते हैं, तो वह यह बताता है कि हमें भ्रष्टाचार अच्छा नहीं लगता, हम उसका विरोध कर रहे हैं इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है उसके बारे में हम लिख रहे हैं, और समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। देखिए और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे समाज का निर्माण हो जो सही हो, जो गलत तरीके से धन इकट्ठित न कर रहा हो, जो लोगों की सेवा करे, हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। देखिए दोषों का पर्दाफाश करना, यदि कोई गलती करता है तो उसका पर्दाफाश, उसे सबके सामने लाना कोई गलत बात नहीं है, यह कोई गलत बात नहीं है।
तो बुराई क्या है? तो बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण, आचरण यानी कि चाल चलन, चाल चलन के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। देखिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई महिला है, वो जॉब करने जाती है, रोज़ सुबह से शाम जाती है, 5 बजे वह घर आ जाती है, ठीक है। पर मान लीजिए कि एक दिन या दो दिन वो 5 के बदले 7 बजे आएगी तो सारे लोग गली के बातें करेंगे, ये महिला तो रोज़ 5 बजे आ जाती थी, उसके बदले अब तो 7 बजे आती है, कहाँ जाती होगी, किससे मिलती होगी, क्या करती होगी। ऐसी बातें तो किसी के पक्ष को गलत नहीं बताना है, उस महिला को काम होगा तो वह देर से आएगी। उसी तरह से मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा है तो उसके माता पिता उसे डांटते हैं या फिर जोर जोर से चिल्लाते हैं उस पर, तो सारे लोग बात, उसका बच्चा तो अच्छा नहीं है, उसके माँ बाप तो उस पर चिल्लाते हैं, भाई उसने गलती की है तो उसके माँ बाप उस पर चिल्ला रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों के जीवन में रस ही नहीं लेना है, दूसरों के बारे में बात नहीं करना है। इसके बदले हम क्या करते हैं, दूसरों के गलत पक्ष को जो बताते हैं उसमें ज़्यादा रस लेते हैं। मान लीजिए कि हाँ, यदि हमारे यहाँ कहा जाए कि भाई आज हमारे यहाँ सत्संग है, आप सब लोगों को आना है, तो कोई नहीं जाएगा, क्यों, वहाँ पर बैठ के ताली बजानी है, ईश्वर का नाम लेना है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो कोई नहीं जाएगा, सब कहेंगे भाई हमारे पास समय नहीं है, आज नहीं कल चलेंगे या फिर दूसरी बार आएंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उसी समय, जिस समय सत्संग है उसी समय आपके मोहल्ले में कोई दो लोग झगड़ा करते हैं, तो सारा काम छोड़कर वहाँ लग जाएंगे, सारा काम छोड़कर हम वहीं देखने लग जाएंगे, वो क्या गालियाँ देते हैं, कैसे बात लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और दोनों झगड़ा कर अपने घर में नहीं चले जाएंगे, तब तक हम वहीं खड़े रहेंगे। देखिए सत्संग में जाने के लिए आपके पास समय नहीं था, क्यों, वह अच्छा नहीं लगता है हमें, पर कोई झगड़ा करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो यह हमें छोड़ना है, हमें दूसरों के बारे में सोचना नहीं है, दूसरों के पक्ष को उसमें रस नहीं लेना है। वो भी झगड़ रहे तो उसका मामला है, उसे झगड़ने दीजिए, हमें क्यों वहाँ जाना चाहिए। पर हमें ऐसी चीज़ें हमें अच्छी लगती है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। देखिए और हम उसके दोष को बताने का हम एकमात्र कर्तव्य, हमारा कर्तव्य, हमारी फर्ज मान लेते हैं कि भाई उसके दोष बताओ, बहुत अच्छा है वे। और एक बात आप खास नोट कीजिएगा, यदि मैं आपको बताऊंगी कि भाई आप अपने गुण या अपने दोष बताओ तो आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि भाई चलिए आप अपने दोष बताइए तो आप सोचेंगे मुझ में कौन कौन से दुर्गुण हैं, आपको सोचना पड़ेगा। या मैं आपसे पूछूं कि चलो आपके अंदर कितने कितने गुण हैं तो भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं कैसा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास वाला जो बच्चा है उसके दोष बताइए तो आप लंबी लिस्ट बना देंगे, आपको उसके बारे में सब कुछ, टीचर वह बहुत बुरा है, बहुत बोलता है, होमवर्क ठीक से नहीं करता, सारे टीचरों के साथ गलत वर्तन करता है, वो चलता भी ठीक नहीं है, जब भी चलता है तब धक्के देता है, हम कितने सारे दोष उसके निकाल देंगे। तो दूसरों के दोष निकालना आसान होता है, पर जब हमारे दोष निकालने की बारी आती है, हम कैसे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे हैं, तो हमें सोचना होगा कि हम कैसे हैं, तो यह सही बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, तो कि भाई दूसरे लोग हैं उसके जो दोष है उसे दिखाना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बुराई में रस लेना बुरी बात है। देखिए बुराई में हमें किसी भी तरह का रस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बुराई में रस लेना कैसी बात है, तो कि भाई बुरी बात होती है, हमें किसी भी तरह के बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी की बुराई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, क्यों हम गलत सोचते हैं। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। देखिए अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना, हमें क्या करना चाहिए, लोगों में जो अच्छी बात है उसे उजागर करना चाहिए, भाई वह लड़का बहुत अच्छा है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास वाला लड़का है वो कैसा है, तो उसमें दोष हो तो भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दोष होता है, तो हमें उसके अच्छी बातें हैं वह बतानी चाहिए, न कि उसमें होने वाले दुर्गुण को बताना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। देखिए हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसी ही बातें बताई जाती हैं जो नेगेटिव होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना यह चाहिए कि हमें ऐसी बातें बतानी चाहिए जो पॉजिटिव हो,
अच्छी बातें हों। इससे क्या होगा तो कि भी हम इससे हमारे समाज पर उसका अच्छा असर पड़ेगा और अच्छी बातों से सारे लोगों के अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं वो आ सके। तो बच्चों आज का जो वीडियो है हम यहीं तक रखेंगे। तो आपका आज का होमवर्क होगा, आपको क्या करना है, आज आपको गद्य तीन है उसके मुहावरे दिए गए हैं वह आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर बुक में आपको क्या करना है, वह सारे मुहावरे हैं वह लिखने हैं और उसे पढ़ना भी है, उसे कंठस्थ भी कीजिए। जब आपकी परीक्षा ली जाए तब आपको सारे के सारे मुहावरे हैं वो मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो चलिए बच्चों इस गद्य का जो अगला भाग है हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक सबको नमस्ते।